बीजेपी का क्या हाल है पता है, ये बोलते हैं शाहीनबाग में 500 रुपया लेके बैठता है ना आदमी, इनके लोग 200 रुपया में बात करते हैं, 200 रुपया हम आपको देंगे, आप मेरे जोड़े दिन भर घूमिए, और शाम में जब पैसा देने का बारी आता है तो बेचारे को 200 रुपया भी नहीं मिलता। योगी जी बोलेंगे, उनका पुलिस का तो ये हाल है कि कम्बल लेके भाग जाता है। अब बताइए, आज तक सुने हैं कहियो कहीं पे सुने हैं कोई राज्य में कि कम्बल चोर पुलिस हो? और बांग्लादेश और पाकिस्तान का बात होता है, इन लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान का सुधरा है, ठीक ना, और बांग्लादेश का भी सुधरा है, श्रीलंका सिर्फ 2 अंक पिछड़ा है, आप 10 अंक पिछड़े हैं और श्रीलंका 2। लोगों को बताइए कि हाँ हम बताते हैं, ये था आपको 7.23% 7.23% अभी है, नहीं पहले था, अभी 7 से भी नीचे है हम लोग का, और इसको 5 अति पे चुना जाता है, ठीक ना, उसमें पहला होता है आपको लोकतंत्र, ठीक है, दूसरा होता है संस्कृति, हमारा क्या संस्कृति है, ठीक ना, तीसरा होता है कामकाज, सरकार का क्या कामकाज, तो सब कुछ में आप पीछे, आप लोकतंत्र की बात आप करिएगा सरकार, आप तो लोकतंत्र को कहाँ बैठा के रखे हैं। लेकिन मोदी जी तो दुनिया में जाके कह रहे हैं कि सब चंगा है, सब चंगा बता रहे हैं ना, कितना चंगा है भैया, 40 दिन से आपके घर के बगल में शाहीनबाग में महिलाएं बैठी हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है कि आप जाके उनसे बात कर ले, बस बात करना है, बस बात करने तक का टाइम नहीं है, इतना तो है, और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बताइए ना, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे ना वहाँ पे यूपी में, क्या हुआ पता है ना, लखनऊ में जितनी भी महिलाएं थी 18 महिलाओं पे FIR दर्ज कर दिया गया है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अरे भैया, लोकतंत्र, जो लोकतंत्र आपको, जो संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप बिल पास कर लीजिए, कानून बना दीजिए, वही लोकतंत्र, वही संविधान भारत की जनता को ये अधिकार देता है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। और योगी जी बोलेंगे, उनका पुलिस का तो ये हाल है कि कम्बल लेके भाग जाता है। अब बताइए, आज तक सुने हैं कहियो कहीं पे सुने हैं कोई राज्य में कि कम्बल चोर पुलिस हो? योगी जी का पुलिस कम्बल चोर है, इतना ही नहीं, बीजेपी का क्या हाल है पता है, ये बोलते हैं शाहीनबाग में 500 रुपया लेके बैठता है ना आदमी, इनके लोग 200 रुपया में बात करते हैं, 200 रुपया हम आपको देंगे, आप मेरे जोड़े दिन भर घूमिए, और शाम में जब पैसा देने का बारी आता है तो बेचारे को 200 रुपया भी नहीं मिलता है। ये इतना बुरा स्थिति है, और इतना ही नहीं, इनके गिरिराज सिंह खुल के मीडिया के एक एंकर को गाली देते हैं, और उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। अब बताइए, ठीक, एक मिनट सर, हाँ, क्या करना, देखिए मैं चाहता हूँ कि जो भारत की जो मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है वो गिरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया के साथ हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जो योजना बनाई, उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई, जिससे भारत 10 सीढ़ियां नीचे गिर गया। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने जो गलती करी वो ये कि जो हमारा जो प्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने जोर नहीं दिया। मैं अलमदार अब्बास, लेकिन बीजेपी तो कह रही है काम तो नहीं, 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 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर जो कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करना थी, ये प्रधानमंत्री जी ने करी। और सबसे बड़ी आज भी हम कहते हैं, अगर भारत जो 10 पायदान जो गिरा है, इसको ऊपर आने के लिए 20 पायदान ऊपर आने के लिए 20 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री चाहिए, जो हमारे देश की हाई टेक्नोलॉजी है इसको लो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दें, ताकि शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास हो जाए। और मैं आपको और बताऊं कि आज जो भारत एकदम जो 10 सीढ़ियां नीचे गिर गया, उसका मूलभूत कारण यह है कि जो हमारी योजनाएं बनती हैं वो शहरी विकास से ग्रामीण विकास की तरफ जाती हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी
योजना है वो ग्रामीण विकास से शहरी विकास की तरफ आए। यानी कहने का मतलब ये केंद्र सरकार को जो केंद्र बिंदु है वो गांव देहात को बनाना चाहिए और उस गरीब को बनाना चाहिए जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। तो क्या वो बात सही है कि ये लोग जो कहते हैं विपक्षी दल की उद्योगपतियों की सरकार है, सूटबूट की सरकार है, क्या ये सही है? उसी नहीं, देखिए ये कहना कि ये सरकार तो उद्योगपतियों की है, खाली उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, किसानों की भी है, मजदूरों की भी है, देश के नागरिक की है। लेकिन असल जो मुद्दा जो है, हमें सरकार, हमारा राष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा है, हमारा सबसे बड़ा संविधान है जिसके आधार पर हम लोग जो हैं एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ पूरे देश में चलते हैं। तो सबसे बड़ा ये हमारा संविधान है और इस संविधान से जो बड़ा है वो है हमारा राष्ट्र। और जो कांग्रेस हो, बीजेपी, जितनी पार्टियां हैं, ये सब राष्ट्र से कुछ नहीं, राष्ट्र से बड़ी नहीं है। इसलिए इसको राजनीति से ऊपर उठ के मैं कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल और सारी पार्टी कहूंगा कि हमारे देश के जो आपके जो मतभेद हैं वो आप रखिए पार्लियामेंट में भी और असेंबलियों में भी, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए मैं अलमदार अब्बास राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो मैं नेशनल पार्टी का, तो मैं कहूंगा कि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए सारी पार्टियां एक हो जाए, पूरा देश एक हो जाए, जितने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ग्रामीण के लोग हैं, शरीफ का लोग हैं, सब एक होके हमारे देश को मजबूत बनाओ और हिंदुस्तान को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाओ और भारत, मुझे आशा है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा।